लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़ी पांचवें अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत, ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़ा पीछे। राजस्थान के धौलपुर में दो देशी कट्टों सहित चार गिरफ्तार, 127 देशी शराब के पौधे भी हुए जब्त। और नागौर में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ सरकार सख्त, अभियान चलाकर पकड़े जा रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे धकेल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल के भीतर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य रखा है। अमेरिका के शोध संस्थान वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट में बताया कि आत्मनिर्भर बनने की पूर्व की नीति से भारत अब आगे बढ़ते हुए एक खुली बाजार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है। इधर अजमेर में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ दिल्ली से आए साथी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर जिले के पुष्कर विधानसभा से पूर्व आप प्रत्याशी रियाज मंसूरी के नेतृत्व में दरगाह की जियारत की। चादर चढ़ाई, हकीकत के फूल चढ़ाए और अजमेर पहुंचने पर रियाज अहमद मंसूरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट पर जोरदार स्वागत किया और अरविंद केजरीवाल को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। देश समाज के लिए अमन चैन खुशहाली भाईचारा कायम रहे इसकी दुआएं भी की है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पहली बार परीक्षा पूर्व संबंध निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रतिनिधियों के साथ एक सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा उसके द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। इसकी जिम्मेदारी उन महाविद्यालयों की है जहां परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रोफेसर सिंह ने यह भी कहा कि सभी परीक्षाओं पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए और उसकी रिकॉर्डिंग भी संधारित की जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ एक कार्यक्रम, एक संवाद आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हेतु अनिवार्य है कि आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और गोपनीयता महाविद्यालय बनाए रखें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महाविद्यालय निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुब्रत दत्ता ने आगामी परीक्षाओं की में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित रूप से महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक भिजवाए जाने की प्रक्रिया को सरलता से समझाया। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी। सिकंदरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभु दयाल गुप्ता, मुख्य हनुमान साहेब प्रधानाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति रचनात्मक ओतप्रोत से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो वहीं भामाशाहों ने स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए सहयोग राशि सहित पंखे और अन्य सामग्री भेंट की। साथ ही कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 127 पौवे अवैध देशी
शराब सहित 2 अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल के निर्देशन में अवैध शराब और अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय सुनील पुत्र राजू गुर्जर निवासी लालोनी को गुर्जरपुरा की रपट से 1 315 बोर अवैध देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। तो वही दूसरे आरोपी नेकराम पुत्र फेरन निवासी ऐतराज का पूरा को 1 300 बोर अवैध देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस सहित हंसाई मोड़ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जयपुर जिले के सांभर लेक में स्थित राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय में नागरिक विकास समिति सांभर द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में 8 विद्यालयों के 36 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया। नागरिक विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल गट्टाणी ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 12वीं और 10वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 36 छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। इस अवसर पर अनेक सांभर कस्बे के गणमान्य लोग और सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार ने छोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक सर्कुलर निकालकर प्रदेश भर में फैले अवैध रूप से चिकित्सा करने वाले छोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इससे छोला छाप चिकित्सकों में खलबली मची हुई है। नागौर में भी जिले भर में कार्यवाही जारी है। तो वही डीडवाना के नजदीकी बालिया गांव में लंबे समय से अवैध रूप से चिकित्सा करने की सूचना मिल रही थी। सूचना के बाद नागौर से आई चिकित्सा विभाग की टीम ने डीडवाना थाने के जाप्ते के साथ पहुंचकर राम रहीम क्लिनिक पर छापा मारकर अवैध रूप से चिकित्सा कर रहे छोला छाप डॉक्टर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। छोला छाप से काफी मात्रा में दवाइयां भी जब्त की गई है जो बिना किसी लाइसेंस के अवैध रूप से बेची जा रही थी। धौलपुर में वार्षिकोत्सव और एलुमनी मीट और मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा में ये आयोजन किया गया। इसमें भामाशाह विद्यालय के पूर्व छात्र जिन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने स्वच्छता, बालिका आत्मरक्षा, शिक्षा का महत्व, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर रोचक और आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर भामाशाहों के द्वारा लगभग 70,000 रुपए विद्यालय विकास के लिए दिए गए। विद्यालय रेडी सर, राज्य स्तरीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक सरानीखेड़ा की ओर से बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन एवं भामाशाह सम्मान और प्रतिभा सम्मान हेतु एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपने पंचायत के और प्रतिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और भामाशाह हैं वो जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और दोनों विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा विद्यालय में अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ जो है दी जा रही हैं और लोगों को जो है प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों का मन मोहा जा रहा है और प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज।